मुनीश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार मनविंदर जी। मनीष जी, आपके साथी सहयोगी रहे कभी अरविंद केजरीवाल जी, हमेशा हम ये लाइन आपके साथ जरूर जोड़ देते हैं क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं। तो ऐसा शौक जैसा इन्होंने अभी एकदम से इस्तीफा देके सबको शॉक्ड किया है, ऐसा इन्होंने क्या कभी पहले भी किया? देखिए, इन्होंने कुछ चीजें अपने लेवल पे डिसाइड की हैं, उनको मैं शौक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पहली बात तो ये न्यूज शॉकिंग नहीं है। जो अरविंद को जानते हैं अच्छी तरह, वो इनकी इसमें कपटबाजी और धृतता देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो पिच इन्होंने की कि मैं इस्तीफा दूंगा एंड इलेक्शन जल्दी करवाया जाए, बेसिस ये बनाया गया, तो इलेक्शन तो वैसे भी लगभग 5 महीने बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, 5 महीने भी नहीं बचे, तो ये बेसिस है नहीं। दूसरा ये था कि जो आपने एग्जाम्पल पूछा, जैसे इन्होंने लोकसभा चुनावों के लिए जो पार्टी ने जब 49 डेज के बाद इस्तीफा दिया इन्होंने एज ए सीएम, तो लोकसभा चुनाव जो 2014 में लड़े गए वो भी काइंड ऑफ पुश किए गए, ठीक है? और फिर इनका ये कहना कि मैं बनारस से या वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा, इस प्रकार के इन्होंने कुछ सरप्राइजेस दिए हैं। लेकिन मैं जो ये इस वक्त जो इन्होंने 48 घंटे का बोला, तो इसको समीक्षा करने की आवश्यकता है। बाकी जो इनका पूरा 10 सालों का इतिहास है, पिछले 12 सालों का, उसमें आप देखेंगे कि फेक फेक चीजें करना, मैनिपुलेशंस करना, इनका खुद के डीएनए का डीएनए में इनके बसा रचा बसा हुआ है, और वो पूरी पार्टी पे रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि पार्टी में जो सच्चे मन से जो लोग आए नहीं थे, सच्चे मन में से जो लोग आए थे वो तो अब है नहीं पार्टी में, तो धूर्तता, कपटबाजी एवं इसी प्रकार की पॉलिटिकल मैनेवरिंग इनका इनका बेसिकली इनका कंडक्ट शो करता है। जो इन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा यदि ये सचमुच के सदाचार होता है, इनमें पॉलिटिकल मोरालिटी होती, तो उसका ये उसमें जब ये जेल जाने वाले थे, जब इनको अरेस्ट किया ईडी ने, तब इनको इस्तीफा देना चाहिए था। 6 महीने तक ये जेल में रहे एंड स्टब बोनस के साथ, पूरी जिद के साथ इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जबकि यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि मैं भी दिल्ली में बैठा हूँ भारतीय लिबरल पार्टी के ऑफिस में, इन्होंने भले ही दिल्ली की जो गवर्नेंस है, प्रशासन भले ही वेंटिलेटर पे चला गया, भले पूरा ठप हो गया, इस व्यक्ति को कोई चिंता नहीं थी। 8 बाय 6 फीट की तिहाड़ जेल में कोठरी में बैठ के आप कैसे गवर्नेंस कर सकते हैं? गवर्नेंस के लिए तो कई चीजें करनी पड़ती हैं डे टू डे। आपको मिनिस्टर से मिलना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलना है, ब्यूरोक्रेट से मिलना है, एलजी से मिलने आपको जाना पड़ सकता है, लोग मिलने आना चाहते हैं आपसे, एवं एमएलए के साथ मिलना होता है, एक डिबेट होता है, डिस्कोर्स होता है पर डे, एवरी सिंगल डे, तब जाके डिसीजन मेकिंग होती है। तो इन्होंने कहा भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे तो अपना अपनी सीट बचाए रखना है। और उसके बाद भी इन्होंने अपनी वाइफ को ग्रूम अप करने की कोशिश की पिछले 6 महीने में। यदि इनको वास्तव में इस्तीफा देना होता तब देते। जब ये बाहर आए तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो भले ही दे दी, क्योंकि एक उसमें एक जो चीज जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की, ट्रायल अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ, सो दैट वेंट अगेंस्ट देम, इसलिए इनको बेल मिली, क्योंकि बेल शुड बी एन एक्सेप्शन इन लीगल टर्म्स। चलिए, अब उसके बाद जब इनको बेल मिली तो भी सुप्रीम कोर्ट ने इन पर स्ट्रिक्चर्स लगाए। ये आज की तारीख में जब इन्होंने इस्तीफा दिया 2 दिन पहले, कल यस्टरडे, तो बेसिकली पंगू सीएम थे, लेम डक सीएम, डिसफंक्शनल चीफ मिनिस्टर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप फाइलें साइन नहीं कर सकते, उसके अलावा कहीं मतलब बिना परमिशन के दिल्ली नहीं छोड़ सकते, बाय डिफॉल्ट यानी कि देश में नहीं छोड़ सकते, तो इनके पास कुछ था ही नहीं, इनके पास तो बेसिकली सीएमशिप थी ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं से बना रहूंगा तो मेरी किरकिरी होगी, एमएलए तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। 5 महीने बाद जिन एमएलए को पब्लिक को फेस करना है, वो अरविंद केजरीवाल की उस पर सेहत पे या कंधे पे चढ़ के तो ले नहीं सकते वोट इस बार, क्योंकि जो इनका पूरा जो मोरालिटी है, नैतिकता, और इनका जो इनके जो गवर्नेंस के लूप होल्स खुल चुके हैं यहाँ पे दिल्ली में, सो इसलिए इनके लिए अपने पार्टी में सीएम बने रहना, अपनी सरकार में ये लायबिलिटी थी, विधवा हो जाता, विधवा, क्योंकि एमएलए इस वक्त सफोकेटेड फील करते हैं। तो
तो इसलिए इनको ये भावी मन से कदम लेना पड़ा, लेकिन इसको इन्होंने स्पिन किया दिया कि मैं तो पब्लिक के वर्डिक्ट के बाद से। अच्छा मनविंदर जी ये ध्यान दीजिए कि मान लीजिए एक मिनट के लिए 5 महीने बाद 6 महीने बाद इनको वर्डिक्ट मिल भी जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट की जो जो स्ट्रिक्चर्स है वो तो तब भी लागू होंगे, तो उस वक्त भी ये नए सीएम के रूप में शपथ नहीं ले सकते। टेक्निकली लेते तो फिर से वही पंगु सीएम। तो इनको समझ आ गया कि बेसिकली इनको काइंड ऑफ स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया इनकी पावर से, एज सिंपल एज दैट। अच्छा मनीष को भी लपेट लिया साथ में। जी जी देखिए मनीष को भी लपेट लिया। हाँ कि मैंने मनीष से बात की, मनीष कहता नहीं अब तो हम पब्लिक को ही फेस करेंगे, पब्लिक हमें ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट देगी तो हम वापिस यू नो सत्ता में आएंगे। वाओ क्या देखिए कितना मतलब धूर्तता की भी कमीनेपन की भी हद होती है इस व्यक्ति कह रहे हैं ऐसे, मतलब इतने बेशरम लोग देखे होंगे लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा, मतलब राजनीति का इतना पतन इन्होंने किया। Exactly. नैतिकता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। हाँ. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्लीज कैरी ऑन। तो विद्रोह होता है इनकी पार्टी में, तो इसलिए इन्होंने स्पिन किया दिया कि मैं अब इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर पिछले 36 घंटे में आप देखें तो पिछले लगभग 30 32 34 घंटे में यही निकल के आया है कि अभी तक ये क्या है कि ही इज मीटिंग वेरियस लीडर्स एंड स्टेक होल्डर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। अब पीएसी में बचे कौन है, इनके ही तो हैं जो चट्टे बट्टे वही तो बची थे, संजय सिंह जो थोड़े बहुत कंडक्ट वाले थे इंटीग्रिटी वाले वो लोग थे वो तो है ही पहले ही बाहर बैठे। स्वाति मालीवाल को इन्होंने वैसे मतलब उन पे वुमेन पे एक वायलेंस करवा के उनको साइडलाइन कर दी। तो कहने के भाव ये कि बेसिकली ये अपनी इंटीग्रिटी एवं कंडक्ट इनका जिस ढंग का था तो ये लॉस्ट एवरीथिंग, ये सब कुछ खो चुके। एंड इस वक्त इन्होंने ये सोशा छेड़ा तो इसमें कुछ भी हो सकता है। मीडिया भी जानबूझ के इस किस्म की न्यूज दिखा रहा है कि इनके शीर्ष इनके उत्तराधिकारी कौन बनेंगे। कोई ये नहीं कहता कि इनकी वाइफ को सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है, राबड़ी देवी 2.0 बनाने के लिए पूरी जोड़ तोड़ की जा रही है इनकी कोटरी द्वारा इनके दरबार। आपसे मैं यही पूछना चाह रही थी कि इस समय सीएम हाउस में पूरा दिन जो गुजरा है सोमवार का क्या चला वहां? पहली बात तो सीएम हाउस कहना इसको गलत है। सीएम हाउस वो था जो गवर्नमेंट ने इनको अलॉट किया था, अब इन्होंने 60 करोड़ लगा के जनता के शीश महल जहां पे टॉयलेट की सीट भी 8-8, 10-10 लाख की। तो इस प्रकार का इन्होंने जो यहाँ पे मिसकंडक्ट किया, दुरुपयोग किया अपना सत्ता का, तो शीश महल में बैठ के बेसिकली ये सेल्वेज करें कि अपनी पत्नी को कैसे सीएम बनाए। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा मनविंदर जी यदि कल ये व्यक्ति यू टर्न ले लें और इनके दरबारी वहां पे रोना धोना शुरू कर दें और ये कहें कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि पार्टी पे नहीं डालेंगे जनता पे डालेंगे कि हमने ऐसे सर्वे किया पिछले 24 घंटों में जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाएगा, SMS से हमने सर्वे करवाया, ऐसे कोई नंबर फेंक दिया जाएगा, 25,000 दिल्ली के लोगों ने बोला कि नहीं आप सीएम बने रहिए। जो व्यक्ति जेल में जाने से पहले, क्योंकि उनको पता था कि जेल में जाएंगे, तो 2023 दिसंबर में पिछले साल दिसंबर के महीनों में एक शगुफा छेड़ा इन्होंने कि क्या दिल्ली की क्या मैं दिल्ली क्या जेल से मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। ये पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, आप जेल से सीएम क्यों बने रहेंगे, तब भी ये जबरदस्ती थोपा गया क्वेश्चन। हमने उसमें काउंटर सर्वे करवाया तो हमें 95% लोगों ने बोला कि जेल से इनको सीएम नहीं बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई सर्वे फेंका, एक नंबर फेंका और मीडिया को बताने की कोशिश की कि इतने अमुक लोगों ने कहा कि नहीं आप जेल से भी सीएम बने रहिए। तो कुल मिला के यदि कल ये यू टर्न लेते हैं, पहली संभावना ये कि खुद इस्तीफा न दें, सेकंड संभावना ये कि अपनी पत्नी को ये विराजमान करवाएंगे एंड राबड़ी दिल्ली की राबड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। तो आपको भी ये लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल जो है राबड़ी 2 बनने जा रही हैं? मुझे और ये जो सोमवार को दिन भर मीटिंग्स चलती हैं इनकी, इसमें आपको नहीं लगता कि इन्होंने खुद ही कुछ ऐसा माहौल बना दिया होगा कि लोग बोले कि भाभी जी कोई बना दीजिए, हमें मत बनाइए? इस बात की पूरी संभावना है। बेसिकली इस वक्त पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जा रही है,
ताकि इस जंग का कुछ किया जाए सिस्टम की। कल सुनीता केजरीवाल स्वतः राबड़ी देवी वाला रूप धारण करके वो वहां पे उस वक्त वहां पे सीएम विराजमान हो। कोई दो, दो, दो चीजें हैं डॉक्टर साहब, एक तो ये कि ये इस्तीफा देने का मूड बदल दे, जैसा कि आपने कहा कि कोई रेफरेंडम इन्होंने रेफरेंडम जो है शो कर दे, है ना। दूसरा दूसरा ये कि फिर मतलब सुनीता केजरीवाल को सब लोगों की तरह से प्रपोज करवा दे। एग्जैक्टली, ये दोनों संभावनाएं प्रबल लगती हैं इस वक्त। अच्छा, इन्होंने ये जो इस्तीफा दिया है इस पे अब इस समय जो टाइमिंग्स हैं इनके, क्योंकि उधर आपके हरियाणा में इलेक्शन है, तो कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप? ये जो इन्होंने इन्होंने एक मतलब नाटक किया सिंपैथी गेन करने के लिए, ये क्या वहाँ हरियाणा तक पहुँचेगी? हरियाणा तो छोड़िए, दिल्ली को देखिए पहले। दिल्ली में इनको 10 साल मिले, दिल्ली की जनता यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम्स में है। आप यहाँ पे कोई भी सिविक एमिनिटीज को उठा के देख लीजिए, किसी भी, आप जल पानी के इश्यू को देख लीजिए। दिल्ली में बारिश होते जल जमाव, पिछले 3 महीनों से जिस प्रकार से हम दिल्ली की जनता यहाँ पे झेल रहे हैं दिल्ली में पानी के इश्यूज को। अच्छा, डिसिल्टिंग नहीं की इन्होंने, पानी यहाँ भर जाता है इमीजिएटली, इजीली एंड इमीजिएटली। पोल्यूशन का इश्यूज है यहाँ पे, सड़कें टूटी हुई हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कूड़ा करकट की। सिविल जो एमसीडी है वो खुद भ्रष्टाचार से लोटपोट या ओतपोत हुई पड़ी है। एमसीडी के जो मेयर हैं वो इस वक्त खुद पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं, जबकि उनका काम है कि एमसीडी के माध्यम से कूड़ा करकट की सफाई करवाना, ठीक है। उसके अलावा आप यमुना के इश्यूज को देख लीजिए, एजुकेशन को, हेल्थ को, कोई भी इशू देख लीजिए आप, किसी भी प्रकार से यहाँ पे जनता को बहुत प्रॉब्लम्स है। तो इन्होंने तो पिछले 10 साल में कोई काम किया नहीं, एंड सभी लोग ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में इन मुख्यमंत्री की निगरानी में दिल्ली की समस्याएं बढ़ गई है। कंस्ट्रक्शन का कोई भी नया काम नहीं हुआ, कोई नए फ्लाईओवर नहीं बने, नए स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं बनी। टीचर्स की यहाँ पे गेस्ट टीचर्स की प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देख लीजिए आप, आंगनवाड़ी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं। कल मैं जंतर मंतर पे था, होम गार्ड्स भी वहाँ पे आए हुए थे, आंगनवाड़ियों का प्रोटेस्ट चलता रहता है। गेस्ट टीचर्स की प्रॉब्लम्स, डीटीसी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को देख लीजिए, हॉस्पिटल में जो टेम्परेरी अवेलेबल एम्प्लॉयज हैं उनकी समस्याओं को, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, जिनको पूरी दुनिया में इन्होंने विज्ञापन दे दे के खूब प्रचारित किया। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स को पिछले 6-6 महीने की तनख्वाही नहीं मिली। तो यानी कि आप देखेंगे कि गवर्नेंस के एंगल से तो पूरा सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स हुआ पड़ा है। तो हरियाणा में तो वैसे भी कोई पार्टी का कभी विस्तार हुआ नहीं पिछले कई सालों में, क्योंकि जो दिल्ली को इग्नोर करके बैठ गए। उसके अलावा हरियाणा में अभी 90 की 90 सीटों पे इंडिपेंडेंट मतलब खुद चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है, 90 सीटों पे कैंडिडेट्स घोषित हो चुके हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि काफी लोगों को मैं जानता भी हूँ, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी से। नारनौल सिटी है, नारनौल इज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 90 में से 90 आउट ऑफ 90। वहाँ पे नरेंद्र सिंह, नरेंद्र यादव है वहाँ पे, पहले आम आदमी पार्टी, ही इज अ यंग गाय, मस्ट बी इन 40s। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को शुरू से सपोर्ट किया, बीच में डेफिनेटली वो वंचित हुए, आई मीन एक प्रकार से एंग्विश हुए जब इन्होंने अपने सिस्टम से भटकने लग गए, अपने आदर्शवादिता से, मूल्यों से, लेकिन तब भी वो बने रहे। मनविंदर जी पिछले 1.5 साल से वो व्यक्ति अपने दम पर, अपने बल पर पार्टी का वहां पे नारनौल असेंबली में परचम लहराया। पार्टी के व्यक्ति है, जाति समीकरण के हिसाब से देखे यादव है, वो यादव डोमिनेटेड सीट है, तो उनको सीट न देने का औचित्य बताइए। स्पष्ट सी बात है कि सीट टिकट वहां बेची गई है। कई एग्जाम्पल्स हमने सुने, क्योंकि मेरा हरियाणा से संबंध है, तो कई एग्जाम्पल्स हमने सुने कि वहां पे टिकटें बेची गई। तो आप देखेंगे तो इनका जो मोरालिटी का जो ग्राफ है वो बड़ी तेजी से नीचे आ चुका है। People have lost faith in Arvind Kejriwal as a administrator, as a politician. सब लोग बल्कि थू-थू करते हैं। आप दिल्ली की बस्तियों में जाइए, पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाइए, लोग यहाँ पे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से परेशान हैं, उनसे निराश हैं। और वास्तव में इन्होंने जिस ढंग से किया पॉलिटिकली एज वेल आइडियोलॉजिकली, ये बहुत बड़ा एक निराशा का चैप्टर है अपने भारतीय इतिहास में। अच्छा, एक और सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, इन्होंने मतलब शुक्रवार को ये रिलीज होते हैं जमानत पर तिहाड़ जेल से, इन्होंने रविवार का दिन चुना,
देखिए क्या है कि इनको बेल मिली, जब ये बाहर आए तो इन्होंने चीजें सूंघने की कोशिश की। इनको समझ तो पहले भी थी, लेकिन बाहर आए तो इनको आपस में जो इनकी पार्टी, इनको इनको विश्वास था कि कुछ शायद वहां पे विशफुल थिंकिंग थी कि नहीं सब ठीक मिलेगा। लेकिन जब इनको इनको सूंघा इन्होंने चीजों की पार्टी में रेबल बैठे हैं, रिबेलियन इज हैपनिंग, यू नो। क्योंकि आप ये देखें ना कि आम आदमी पार्टी इस वक्त एक प्रकार से सिंकिंग शिप है, सिंकिंग बोट है। सही और डूबता हुआ जहाज है और उसमें से सबसे पहले चूहे कूदते हैं। सेकंड आप ये भी देखिए कि पार्टी इस वक्त, देखिए इलेक्शन सा जस्ट 5 मंथ्स अवे, ये व्यक्ति तो अपने एमएलए को छोड़ के चला गया, उनकी मर्सी पे छोड़ के चला गया। ए लीडर विल नेवर डिजर्ट हिज फॉलोअर्स। ये व्यक्ति जब जेल में गए तो यहाँ पे तो थू थू होने लग गई। एमएलए के लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया कि आपका मुख्यमंत्री जेल में है तो इस्तीफा क्यों नहीं देता, क्योंकि एमएलए यहाँ पे पहले दे आर फेसिंग हीट। दिल्ली में सिविक एमिनिटीज बड़ी पुअर हो चुकी है, पानी मतलब आप गलियों में निकले, गलियां टूटी पड़ी हैं, पानी भरा पड़ा है, पाइपें फटी पड़ी हैं, गंदगी उठाई नहीं जाती, गंदगी मीन्स गार्बेज, कूड़ा करकट। तो कुल मिला के दिल्ली एक जंक यार्ड सिटी बनी हुई है। ऑन टॉप ऑफ दैट पोल्यूशन का इश्यू, व्हीकल्स का इश्यू, कंजेशन का इश्यू। तो जब आप ये सब बातें देखते हैं तो दिल्ली बेसिकली यहाँ पे गार्बेज सिटी बनी हुई है। इट्स नो बेटर देन अ गार्बेज सिटी। अब ऐसे में जब इनका एमएलए, तो इनको छोड़ के चला गया ना इनका सीएम, एमएलए पहले से यहाँ पे जनता के प्रेशर को झेलते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली अब उनको ये समझ नहीं आता कि अगले 3 4 5 महीने में इस्तीफा दें कि दूसरी पार्टी ज्वाइन करें कि ये करें। तो आप समझ सकते हैं उनकी मनोदशा। ऐसे में जैसे ही बाहर आए तो इनको समझ आ गया कि बेसिकली इनकी कहानी गोल गट्टम हो चुकी है, क्योंकि इनको ना तो कोई समर्थन देने को तैयार है, एवं ज्यादा कुछ अगर चिपकेंगे इसके बावजूद भी तो लोग छोड़ छोड़ के ओपन रेबेलियन हो जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा शुरू में कि ही इज नो मोर देन ए फंक्शनल सीएम, ही इज एक्चुअली डिसफंक्शनल सीएम, पंगू सीएम, लेम डक सीएम है। तो इनको समझ आ गया कि राइटिंग ऑन द वॉल, कि या तो आप इसको चिपके रहिए या आप क्लियर कट, यू नो, यहाँ पे विद्रोह हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि आतिशी मार लेना की भी बड़ी खुशी झलक रही है, प्लस गहलोत जी भी बड़े खुश हैं, उनके बड़े प्रोफाइल बताए जा रहे हैं नेशनल मीडिया पे, जैसे कि वही सीएम बनने जा रहे हो। ये चल क्या रहा है? आतिशी सिर्फ आपको टीवी स्क्रीन पे दिखने के लिए। कैलाश गहलोत को ये कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। रीजन? रीजन ये कि कैलाश गहलोत कभी इनके नजदीक थे ही नहीं, सीधी सी बात है। एंड वैसे भी वो इस किस्म की नौटंकी नहीं करते, वो आई मीन ही मींस बिजनेस। आप वो ही इज ए नो नॉनसेंस पर्सन, तो वर्क ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड एक पॉलिटिशियन या एक मंत्री कह सकते हैं आप। एंड वो इनकी न्यूसेंस या दूसरी इनकी दूसरी नौटंकी, बात दूसरी बात ये भी है ना डॉक्टर साहब, कि जिस समय आपको याद है कि इन्होंने जेल से मैसेज करवाया था कि मेरी जगह आतिशी मार लेना फ्लैग होस्टिंग करेंगी, लेकिन एलजी ने गहलोत साहब को कह दिया, तो उन गहलोत साहब हो सकता है कि कुछ नजदीक भी हो एलजी के, क्या कहते हैं? नहीं एलजी के नहीं, एल क्योंकि ही वाज द होम मिनिस्टर। आप ये ध्यान ये दीजिए कि अरविंद केजरीवाल को आइडियली ये कहना चाहिए था कि आप होम मिनिस्टर, क्योंकि आफ्टर द सीएम होम मिनिस्टर इज द नेक्स्ट पावरफुल पर्सन इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनको ऑटोमेटिकली ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर को देनी चाहिए थी। इनको पता ही डज नॉट लाइक दैट, तो इन्होंने ये ड्रामा क्वीन आतिशी को दे दिया जाए। तो एलजी ने ठीक डिसीजन लिया, ये अपने किसी बंदे को बैठाने की कोशिश करेंगे, और उस अपने बंदे में सिर्फ इनके जो चक्रव्यूह में सिर्फ सुनीता केजरीवाल फिट होती है, सिर्फ सुनीता केजरीवाल, सिर्फ सुनीता, सिर्फ सुनीता, उसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, लेकिन आतिशी मार लेना इतनी खुश क्यों है? वो जो भी इंटरव्यू में हम देख रहे हैं उनको, उनकी तो खुशी बिल्कुल संभाले संभल नहीं रही है। इसके पीछे वजह क्या है? उनको डेप्टी सीएम तो नहीं बनाना? कुछ कुछ लोग पॉलिटिक्स में चरण वंदना के लिए एंड सष्टांग प्रणाम करने के लिए आते हैं, आतिशी मौलाना इज वन ऑफ देम। क्योंकि मैं इनको शुरू से जानता हूं, जब पार्टी में 67 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को 19 20 सॉरी 2015 में,
जब 67 सीटों के साथ ही मुख्यमंत्री बने, तो आपको ध्यान होगा कि उसके इमीडिएटली बाद कुछ हफ्तों में इन्होंने एक जो इनको लगता था, अरविंद को लगता था कि बागी गुट है, उसको हटाने के लिए उन्होंने कोशिश की, जिसमें योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण, तो आतिशी मरलाना भी उसी ग्रुप में है, वो थी। आतिशी मरलाना, उनका लास्ट नेम है मार्क्सिस्ट प्लस लेनिन, उनके माता पिता हार्डकोर कम्युनिस्ट लोग हैं जी, या थे, और उन्होंने उसका नाम दिया आउट ऑफ लव मार्क्सिस्ट प्लस लेनिन मरलाना। तो आतिशी मरलाना बिलोंग टू दैट ग्रुप। जब इसके बाद वो हट गए तो इनको समझ आ गया कि इनकी पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई, एंड आम आदमी पार्टी वॉज इन फुल पावर। तो एक गिड़गिड़ाती हुई सचिवालय में वहाँ पे बैठती थी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है क्योंकि मैं भी सचिवालय में बैठता था उन दिनों, एंड वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पावर कॉरिडोर है उसमें बैठ कर किस प्रकार से शी वॉज ट्राइंग टू गेट बैक इन टू द सिस्टम। तो उसके बाद उनका दिल पसीजा जो मनीष सिसोदिया अरविंद का, और उन्होंने अपना दया पात्रता दिखाई इनके ऊपर, और उसके बाद शी वॉज रिहैबिलिटेटेड। तो उसके बाद ये सबक सीख चुकी हैं अपना कि यदि आपको आदर्शों की बात छोड़िए, मूल्यों की बात छोड़िए, आपको पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना है, तो आप आंख बंद करके चरण वंदना कीजिए और बॉस इज ऑलवेज राइट वाली पॉलिसी अपनाइए, एंड दैट इज व्हाई आतिश इज वेरी 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 हैप्पी। ओके, अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक टाइम का मैनेजमेंट करके अपना इस्तीफा दिया है, अब मंगलवार को इनको जो ऑफिशियल काम होते हैं नॉर्मली 10-11 बजे शुरू हो जाते हैं, इनको टाइम दिया गया 4:30 बजे का एलजी से मिलने का, ये इतना गैप क्यों, इसकी भी कोई वजह हो सकती है? एग्जैक्टली, ताकि वो बाइंग टाइम मिल जाएगा इनको बाइंग टाइम मिल जाएगा, एंड मान लीजिए शाम को कोई डिसीजन नहीं हो पाया ठीक ढंग से, तो उसके बाद यू नो ओवरनाइट ही कैन स्टिल कीप मैनिपुलेटिंग द थिंग्स। ओके, नहीं ये टाइम तो एलजी की तरफ से डिसाइड हुआ है ना कि ये मिलने जाएंगे, हमें नहीं पता, क्या पता इन्होंने वैसा टाइम मांगा हो, उससे पहले इनके कैबिनेट का क्या सीन होगा? इनके कैबिनेट का सीन वही होगा कि बेसिकली इस वक्त भी मैनिपुलेशंस ये चल रही हैं कि जो इनकी इनके जो कोटरी है वो ये प्रपोज करे कि सब लोग मिलके सुनीता केजरीवाल, जैसा होता है मीटिंग्स में जब दरबारियों की मीटिंग्स होती है, तो उसमें एक व्यक्ति अपना ही व्यक्ति बोलता है कि हमें तो हमारी भाभी सुनीता केजरीवाल चाहिए, एंड उसके बाद सब लोग बोलेंगे यस 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 बिल्कुल, अरविंद जिंदाबाद, सुनीता भाभी जिंदाबाद, बस ये दावे गूंजने लगेंगे, एंड सेम वॉइसेस जो दो चार होंगी वो साइड पे खड़ी हो जाएंगी, एंड ध्वनि मत से पास किया जाएगा, उसके बाद एलजी साहिब के पास जाया जाएगा। ओके, अच्छा, अब जैसे 5 ही महीने बचे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि इनको ये पावर में ना आए जी, उस स्थिति में आप क्या एज्यूम करते हैं, क्या सीन देखते हैं? देखिए इलेक्शंस में, क्योंकि जो कैंडिडेट रहा लोकसभा में, हालांकि दोनों में मेंटेलिटी और सब चीज़ें फर्क होती हैं, फिर भी बहुत इम्पैक्ट रहता है। राज्यपाल लोकसभा के जो इनके चुनाव रहे हैं, सारी सीटें बीजेपी को गई हैं, इनकी 7 सीटें, एंड अब पिछले 10 सालों में दिल्ली में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो आम आदमी पार्टी को हमेशा नकारा गया, इनको जनता ने कभी वोट नहीं दिया। अच्छा, पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी को असेंबली इलेक्शंस में भारी बहुमत से जनता ने जितवाया, और उसका परिणाम यह है कि दिल्ली की हालत बदतर होती गई। इन्होंने इस्तीफा घोषित करते वक्त ये बोला कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी इलेक्शंस हो जाए। इलेक्शन कमीशन को जब असेंबली डिसॉल्व की जाती है या सीएम डिसॉल्व करने की सिफारिश करता है, उसके बाद इलेक्शंस में 6 महीने का समय इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ओवरनाइट या 15 दिनों में तो इलेक्शन करवा नहीं सकता, उनको अपनी पूरी मशीनरी को एक्टिवेट करना होता है, तो इलेक्शन तो वैसे ही मुश्किल से 5 महीने बचे। तो ये कहना कि जल्दी इलेक्शन किया जाए, ये बिल्कुल एक जिसको कहते हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो बेसिकली सिंपैथी गेन करने के लिए इस वक्त और ऑनेस्टी दिखाने के लिए इस्तीफा दिया इन्होंने। दिल्ली की जनता इनको इस वक्त बिल्कुल नेगेटिव वोट देगी, इनको नकारेगी इस वक्त,
दिल्ली में आज इलेक्शन हो जाए, 5 महीने बाद इलेक्शन हो जाए, चाहे 3 महीने बाद इलेक्शन, दिल्ली की जनता यहाँ पे फेड अप हो चुकी है। एंड आप दिल्ली के लोगों से पूछ सकते हैं, दिल्ली में आप स्वयं देख चुके हैं और देखेंगे कि दिल्ली में किस प्रकार से सिविक एमिनिटीज टोटली कोलैप्स हो चुके हैं और दिल्ली में इनके आने की कोई संभावना नहीं। थोड़ा बहुत जो इनके समझौते की गुंजाइश थी अलायंस की, वो इन्होंने हरियाणा में जो चैप्टर इनका बंद हुआ, दिल्ली में भी ऐसा नहीं। लेकिन विधानसभा के चुनाव में अगर ये अलाइन करते, ये मतलब ही सच्चे बेशरम पर्सन, ये किसी से भी अलाइन कर लेंगे बीजेपी को छोड़ के, है ना? उस स्थिति में क्या सीन देखते हैं? उस स्थिति में भी क्या होगा कि ये कोशिश, जैसे लोकसभा में हुआ, लोकसभा में दिल्ली में 7 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं। इन्होंने जिस कांग्रेस को खत्म करने आए थे, जिस शीला दीक्षित को इन्होंने, जबकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना गंदा नहीं था, जब आज लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो पछताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छा तो शीला दीक्षित थी, शी वॉज ए सीजन पॉलिटिशियन इन दैट टर्म्स, ये तो उछाल के बैठा दिए गए इनको, ठीक है। तो अब ये देखिए कि जब इनको, इन्होंने इतना भी मतलब एक जिसको कहते हैं टोटल यू टर्न आइडियोलॉजिकली आल्सो, इन्होंने कांग्रेस का हाथ मिला लिया, लेकिन उसके बाद ही परिणाम क्या हुआ कि दिल्ली में बीजेपी को क्लियर कट मैंडेट मिला। यदि आज भी ऐसे, अगर विधानसभा में भी इस प्रकार की ये बेशर्मी के साथ ही अगर अलायंस करते हैं, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, निम्न है, नगण्य है, वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कांग्रेस इस वक्त जो सीटें इनको लोकसभा मिली उसके बाद दिल्ली में भी दे आर ट्राइंग टू रिसर्च, दे आर ट्राइंग टू कम बैक, और वैसे भी लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में भी इनके साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली अलायंस के बावजूद भी होगा क्योंकि आपस में एक दूसरे को हरवाएंगे, यही होगा। देखिए दिल्ली में आपस में तो ये मतलब इनकी लड़ाई शुरू है, हालांकि ये शो नहीं कर रहे हैं, आपस में घमासान काफी मचा हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं लाइट नोट पे आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा आम आदमी, गरीब और बहुत जमीन से जुड़ा हुआ दिखाते हैं जी। ये आप पिक्चर देखिए, इसमें इनकी शर्ट देखिए, ठीक है जी। अब आपने संडे को जो इनकी आपने शर्ट देखी होगी, ये आपको नहीं लगता इन्होंने एक थान ले लिया है, या तो एक जैसी शर्टें बनाई है, या तो फिर जो मतलब ये एक ही शर्ट को पहनते रहते हैं 5-6 दिन तक, क्योंकि आप इनके बड़े नजदीक रहे हैं, ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। ये बड़े ध्यान से केयरफुली किया गया कि ताकि वो ब्लू शर्ट लेके आए जो ये पहले पहनते थे। दूसरा कहते हैं कि इनका ध्यान होगा, जब शुरू शुरू की बात है, काफी शुरुआती दिनों की बात है, इनके बटन भी मतलब मैच नहीं करते थे, शर्ट ऊपर नीचे होते थे। तो एक सभा में, एक मीटिंग में जाने वाले थे, तो हम में से किसी ने कहा कि देखिए वो शर्ट ऊपर नीचे कर लीजिए आप, मतलब ठीक नहीं है और मिस मैचिंग है आपके बटनों की। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए इसको। तो इनका व्यक्तित्व उसी ढंग का है कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ अलग दृष्टिकोण से चीजें दिखाते हैं। तो ये ब्लू शर्ट में आके फिर से असेंबल या एड्रेस करना, इसके पीछे भावना बढ़ती है कि ये वही दिखने, मतलब जो हमने शीश महल के अंदर की तस्वीरें देखी हैं, मतलब क्या रिमोट से उनके पर्दे हिलते हैं, रिमोट से जो है इनकी सारी चीजें ऑपरेट होती हैं, एंड वो बंदा जो है एक ही शर्ट पहन रहा है। मतलब मैंने इसलिए आपको ये लाइट नोट पे इनके फोटोग्राफ दिखाए, एंड ये शर्ट में अक्सर देखा है, मतलब ये पिछले 5-6 साल से इनकी शर्ट फटी नहीं है क्या? नहीं, वो आपने थान वाला एग्जांपल अच्छा बताया। हाँ। थान वाला एग्जांपल आपने अच्छा बताया। तो ये मतलब अपने ये एक्चुअली क्या है, मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि ये इनकी नाटकबाजी शो करता है, है ना? ये हाथी के दांत रहते हैं शीश महल में, और जब लोगों के बीच में जाएंगे तब फटे हाल जाएंगे। आप कह रहे हैं ना कि इनका बटन ऊपर नीचे का रहता है, एंड आपने फिर ये भी नोटिस किया होगा कि ये अपने जो कपड़े हैं वो एक नंबर बढ़ा के लेते हैं, है ना, खुली शर्ट आए ताकि वो थोड़े झल्ले टाइप लगे, और लोगों में ये मैसेज जाए कि ये तो बंदे को पहनने ओढ़ने का भी कोई होश नहीं है, ये तो इतना पब्लिक के प्रति इतना समर्पित है, किसे तो अपने अपने कपड़ों की भी होश नहीं है, ये तो अपनी जनता के लिए मर मिट रहा है, क्या कहते हैं? नहीं, अब ऐसे कुछ ऐसे इनकी हिपोक्रेसी टोटली एक्सपोज हो चुकी है, छदम पॉलिटिक्स
इनकी जो नाटक था दोगलापन इज टोटली एक्सपोज्ड। आप देखेंगे कि दिल्ली में जनता थू थू करती है, थू थू करती है। बट टिल नाउ हु इज रिपीटिंग द सेम थिंग, अभी भी ये ऐसी कर रहे हैं। जो नटवर लाल है अपनी आदतें छोड़ेगा नहीं ना नटवर लाल। हाँ मतलब ये शर्ट देखिए एंड फिर ये शर्ट देखिए, तो ये अपने आप में मतलब बड़ी बड़ी अजीबोगरीब कहानी कहती है तस्वीर। मैंने बड़े ध्यान से देखा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि ये पहले भी ऐसे ही करते थे, तो आपने सही बताया कि ये अपने बटन जो है रंग बिरंगे लगा के रखते थे कमीज में, इसीलिए ताकि इनका जो नाटक नौटंकी जो है इसीलिए इनकी पार्टी को कहा जाता है। डॉक्टर साहब आपने मेरे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, एंड लास्ट में एक चीज और जानना चाहूंगी मैं कि जो सीएम है सच में क्या ये सुनीता केजरीवाल को ही बनाने वाले हैं? मेरा पूरा मानना है, ऐसा मानना है मेरा कि ये सुनीता केजरीवाल को बनाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। अंदर ही अंदर कोई और कुछ मामला हो जाए तो अलग बात है, संजय सिंह जैसे लोग अड़ जाए कि वो कैसे बन जाएंगे, हम हैं असली जिन्होंने जमीन पे काम किया तो अलग बात है, कोई ओपन रिवोल्ट हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये कोशिश पूरी करेंगे कि अपनी पत्नी को सीएम बनाए। क्योंकि इसमें शीश महल भी जुड़ा हुआ है ना, अगर सुनीता केजरीवाल नहीं बनती है फिर तो इनके हाथ से गया शीश महल भी गया। एग्जैक्टली ओपन विद्रोह जिसको कहते हैं ना, मारकाट हो जाएगी, मनीष अड़ जाए, संजय सिंह अड़ जाए कि देख लो पार्टी भले ही खत्म हो जाए हम तो ओपन में जाके आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वो अलग बात है, अदरवाइज ही विल ट्राई हिज बेस्ट एंड शीश महल भी जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा छूटेगा नहीं इस मामले। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को जानकारी दी। थैंक्स अगेन, जय हिंद जय भारत जय भारत।